पड़ोसी चीन को प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कड़ा जवाब। युद्ध चाहे ना भारत कौनसी सुपर पावर आमर आत्मसम्मान को आघात देले उपयुक्त जवाब पर प्रस्तुत भारतीय सेना। बेंगालुरु अनुष्ठित आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे उत्सव में जोगदेवा अवसर में प्रतिरक्षा मंत्री वक्तव्य। निजक सुपर पावर भावुवा पड़ोसी चीन को भारत प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कड़ा चेतावनी। भारत कहा सहित तो युद्ध चाहेनि, आमे समस्त सुरक्षा को समर्थन करू, तथापि जदि कौनसी सुपर पावर आमर आत्मसम्मान गर्व और मर्यादा को आघात दिए ताहले कड़ा जवाब देवाक सक्षम देशर सेना बाहिनी। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम शांति चाहते, हम सबके सम्मान की सुरक्षा के पक्ष में हैं, किसी के सम्मान पर चोट नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन यह बात भी दो टूक शब्दों में बताना चाहते हैं, यदि हमारे भारत के स्वाभिमान पर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत यदि चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, भारत के जवानों के अंदर वह कुवत है, उसका वह मुंहतोड़ जवाब दे सकते। गुरुवार दिन बेंगालुरु अनुष्ठित आर्म फोर्सेस डे रे जोगदेवा अवसर में एकथा कहिछंती प्रतिरक्षा मंत्री श्रीजुक्त सिंह। भारत अन्य देश सह शांति एवं बंधुत्वपूर्ण संपर्क रखा चाहे, कारण यह आम संस्कृति तथा रक्त रही। लद्दाख सीमार चीन सहित बिवाद लगता बेले भारतीय सेना उदाहरण सृष्टि करने भली अत्यंत साहस एवं धैर्य प्रदर्शन करापी प्रत्येक भारतीय गर्व अनुभव करती। साहस को उच्च प्रशंसा कर राजनाथ सिंह। यानी जलोसी बॉर्डर पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी आपको है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। किस प्रकार पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर वायलेशन हो रहा है और उसका मुंहतोड़ जवाब किस तरीके से हमारे सेना के जवान दे रहे हैं। जहां तक इंडो चाइना बॉर्डर पर जो इस समय का स्टैंड ऑफ है उससे भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। शायद कितनी जानकारी है मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस देश का डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते और इस समय हमारे भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी यहां पर मौजूद है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यह कहना चाहता हूं, इस स्टैंड ऑफ में हमारे सेना के जवानों ने जिस शौर्य पराक्रम और संयम संयम यानी पेशेंस, शौर्य पराक्रम का मतलब बहादुरी का जो परिचय दिया है उसकी जानकारी यदि हर भारत के वासियों को हो जाए तो उसका मस्तक बिल्कुल गर्व के साथ ऊंचा हो जाए। केंद्र सरकार 48,000 कोटी प्रतिरक्षा सामग्री डील को अनुमोदन देखते, यह द्वारा देश में 50,000 कर्मनिजुक्ति सृष्टि होगा प्रतिरक्षा मंत्री प्रकाश कर।